श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र से खड़े समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अभिषेक मिश्रा को जिताने के लिए सरोज नगर के सारे लोग एक जगह एकत्रित हैं। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार के लिए ठीक साबित हो सकती है। आखिर क्यों, इस विषय में हमारे साथ बात करने के लिए सरोज नगर विधानसभा क्षेत्र की जनता मौजूद है। आप देख सकते हैं वीडियो में, ये विधानसभा सरोज नगर क्षेत्र की जनता है जिन्होंने समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी अभिषेक मिश्रा को जिताने का प्रण लिया है। और देखना यह है कि क्या समाजवादी पार्टी अभिषेक मिश्रा इस जगह से सरोजनगर सीट से कितने बहुमत सीटों के साथ निकल सकते हैं और जीतने की रकबात भी रखते हैं। हमारे साथ बात करते हैं, आपका शुभ नाम? कामिनी पटेल है मेरा नाम, मैं जिला महासचिव महिला सभा समाजवादी पार्टी। कामिनी जी, आपके क्षेत्र से सरोजनगर विधानसभा लगता है, अभिषेक मिश्रा यहाँ के सपा से प्रत्याशी है, उनको जिताने का किस क्या आपकी अपनी पहल है, कैसे जिताइए? अब उनको जिताने के लिए हम अखिलेश यादव जी की, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी सरकार में बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, उनकी उपलब्धियों के बारे में बता रहे हैं, जो उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया है, उन्होंने जो एजेंडा रखा है उस उन एजेंडा के बारे में हम लोग जन जन तक पहुंचा रहे हैं, तो लोग प्रभावित हो रहे हैं, हमारे साथ आ रहे हैं और जितना हो सकता है जितनी उनकी ख्यातियाँ हैं वो सब हम जनता के अंदर ले जा रहे हैं और जनता को उनके बारे उनकी उपलब्धियों के बारे में बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी की क्या नीतियां हैं और किस हद तक जनता उनको पसंद करती है, और भी लोग हैं तमाम बात करते हैं, कई एक हमारे साथ वरिष्ठ भी यहां पे बैठे हुए हैं। भाई साहब, क्या शुभ नाम है आपका? राम सिंह पटेल। राम सिंह जी, समाजवादी पार्टी में क्या खास है, आप उनका सपोर्ट कर रहे हैं क्यों? ये युवाओं महिलाओं की सुरक्षा, और सबसे बड़ी बात है ये अब धर्म जात से ऊपर उठ चुकी है ये पार्टी, अब किसी की नहीं सर्वजन की पार्टी है, सभी धर्म के सभी जातियों के लोग जो है इस पार्टी में समर्थक हैं और सब लोग मिलकर भावी अभिषेक मिश्रा जी को MLA बनाएंगे। समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, क्या कुछ खास नीतियों से उससे प्रेरित है, क्यों? देखिए, जनता जो है, जनता में आक्रोश बहुत ज़्यादा है इस समय, क्योंकि जो बेरोजगारी बढ़ी है वो बहुत चरम सीमा पे है, और उसके बाद में जिन लोगों की नौकरियां गई हैं वो सब भी जो है इसमें आक्रोश में हैं, वो इस जो है इस सरकार को जल्द से जल्द हटाना चाहती हैं और नई सरकार जो है लाना चाहती हैं। तो समाजवादी पार्टी ने जो भी वादे किए हैं वो लोगों और जनता के जो है हित में है, और मैं यही चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी को जनता जो है भारी से भारी मतों से जो है वोट देके विजय बनाए इनको। समाजवादी पार्टी का आप समर्थन कर रही हैं, क्यों, क्या उनकी खास नीतियां हैं जिससे आप प्रेरित हुई हैं? वो उनकी सारी नीतियां इतनी पाक और साफ होती हैं कि वो जो भी बोलते हैं वो करते हैं। हमारे अध्यक्ष जी में ये जो बीजेपी के लोग हैं, बोलते कुछ और हैं करते कुछ हैं। आज हम युवा बच्चों की माँ हैं, हमसे पूछे मेरा बेटा युवा आज 3 साल से बैठा हुआ है घर में, और घर में बच्चा बैठा होता है तो बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है, ठीक है। अब उस चीज़ की प्रताड़ना तो माँ देखती है, बच्चा भी डिस्टर्ब हो रहा है और बच्चे के साथ माँ भी डिस्टर्ब हो रही है। हमने अपने बच्चों को इतनी अच्छी पढ़ाई कराई, इतना अच्छा क्वालिफिकेशन कराया, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं आ रहा है, इसलिए हम इस सरकार से तो बहुत दुखी हैं, इसीलिए हम पूरा सहयोग और पूरा समर्थन अपनी समाजवादी पार्टी को कर रहे हैं। चुनाव का समय है और चुनाव में ज़्यादातर जाति धर्म को लेकर प्राथमिकता में रखी जाती है, यहाँ और भी कई महिलाएं हैं, आपका समाजवादी पार्टी का आप समर्थन कर रहे हैं क्यों? ये पार्टी अच्छी है और इसमें माननीय अखिलेश जी ने बहुत काम किया है, और जो युवा बच्चे थे पढ़े लिखे थे उनको शिक्षा मित्र में किया और सहायक बनाया, और ये पार्टी तो जो है बहुत अच्छी है, और इसमें बेरोजगारी भत्ता भी मिल रहा था बच्चों को, जो पढ़े लिखे बच्चे BA थे उनको महंगाई बेरोजगारी भत्ता मिला, और महिलाओं को वो समाजवादी पेंशन भी मिली, बहुत काम हुआ, इससे हम लोग बहुत खुश हैं। समाजवादी पार्टी में जो काम हुआ है वो आज भी लोग उनको याद करते हैं, और हमारे साथ एक और है सज्जन, आपका शुभ नाम? जाना भूपेंद्र सिंह भैया, पूर्व पार्षद हूँ इसी क्षेत्र से। पूर्व पार्षद हैं आप भूपेंद्र जी, समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, और भाजपा भी लगभग काफ़ी काम कर रही है, आप समाजवादी पार्टी का क्यों इतना ज़्यादा समर्थन कर रहे हैं? भाजपा काम तो हमें पिछले 5 साल से कहीं दिखा नहीं, गड्ढा मुक्त सबसे पहला इनका नारा था, कोई भी मेन रोड टहल लीजिए केवल गड्ढे ही गड्ढे हैं,
तो काम कहाँ इन्होंने किया? महिलाओं को लेकर बोल रहे लगातार, महिलाओं का सम्मान, महिलाओं के सम्मान के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अखिलेश यादव जी ने जो समाजवादी पेंशन चालू की थी, जो गरीब लड़कियों की शादी के लिए 30,000 रुपया चालू किया था, उन्होंने सब आते ही बंद कर दिया, तो कहाँ से महिलाओं का मान सम्मान हुआ? अच्छा कामनी जी, आपसे पूछा है कि महिलाओं को लेकर लगातार भाजपा कह रही है कि अब हमारी सरकार में है महिलाएं, डर ख़त्म हो चुका है, लोग रात में निकलना शुरू कर चुकी है, किस हद तक क्या हम मान सकते हैं कि महिलाएं अब डर मुक्त हो गई हैं? ऐसा कुछ नहीं है, महिलाएं कहीं सुरक्षित नहीं है बीजेपी की सरकार में, और आज भी भ्रष्टाचार और तमाम महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, और अब हमारे यूपी में ये समझ लीजिए इतनी बेरोजगारी है कि कम से कम 3 साल में 9,140 लोग, जो कल मीडिया बता रही थी, आत्महत्या कर चुके हैं नौजवान, उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, फार्म निकालते हैं और जब पेपर देने का नंबर आता है तो लीक पेपर लीक, 6 महीने गुजर जाते हैं फिर पेपर लीक, फिर 6 महीने गुजर जाते हैं फिर पेपर लीक, तो बेरोजगारी कहीं से ख़त्म नहीं हो रही, बेरोजगारी ख़त्म नहीं हो रही, इसलिए अत्याचार और इतना सब क्राइम बढ़ रहा है, इसीलिए इतना क्राइम बढ़ रहा है, जब बेरोजगार युवा इधर उधर घूम रहा है, कोई काम नहीं है उनके पास, और खाना पीना कपड़ा लत्ता पहनना ओढ़ना हर चीज़ की तो मुसीबत हो रही है, तो इस सरकार में कोई भी संतुष्ट नहीं है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। ये है समाजवादी पार्टी के वो लोग जो सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र से खड़े, इनके बात अगर देखा है तो सरकार के सारे काम सिर्फ जमीनी स्तर पर कहीं कुछ नहीं, सिर्फ हवा हवाई है, पर देखना यह होगा कि आखिर इस 2022 के इस चुनाव में समाजवादी पार्टी कितना अपना झंडा फहरा सकती है और यहाँ की जनता पार्टी को कितने वोटों से विजय बनाती है। वीडियो जर्नलिस्ट अविनाश के साथ देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रवास साक्षी, लखनऊ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।